नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीदार स्वागत करता हूं आपका गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन में। आज हम सीखने जाने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेलमेट के बारे में। दोस्तों, आपने चेक और चेकमेट तो सुना होगा, लेकिन चेस के गेम में एक ऐसा नया वर्ड है स्टेलमेट, जो कई लोगों ने नहीं सुना होगा। और स्टेलमेट क्या है, ये कुछ लोग जब सोसाइटी में खेलते हैं तो वो स्टेलमेट को भी चेकमेट समझ लेते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चेक मतलब अटैक द किंग, चेकमेट मतलब अटैक द किंग एंड किंग कांट सेव, एंड स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब है किंग पे अटैक नहीं है और किंग बचा नहीं जा सकता। इसका मतलब किंग के पास कोई लीगल मूव नहीं बचती है, तब होती है स्टेलमेट। तो सबसे पहले हम चेक के बारे में देखते हैं। इसके पहले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि कोई भी पीस से जब किंग के ऊपर अटैक आता है तो उसे कहते हैं चेक। अब आपको चेकमेट, तो सेम पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं इसमें। चेकमेट यानी गेम ओवर, मतलब जब किंग के ऊपर अटैक आता है और किंग कहीं बच नहीं सकता, वो पोजीशन को बोलते हैं चेकमेट। दोस्तों, ये आपके सामने जो पोजीशन है, यहाँ पे व्हाइट ने रुक से चेक लिया है और ब्लैक अपना किंग सेव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किंग के पास कोई जगह ही नहीं है और ना तो कोई पीस बीच में आ सकता है, ना ही जिसने चेक दिया है उसे आप मार सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड चेकमेट। लेकिन स्टेलमेट क्या है, उसके लिए अब हम ये पोजीशन देखते हो आप, जहां पे अभी को व्हाइट को खेलना है, सॉरी ब्लैक टू प्ले है, ब्लैक को खेलना है। तो ब्लैक के पास, किंग के पास कोई लीगल मूव नहीं है। आप देख सकते हो किंग कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा है, साइड में जाएगा तो क्वीन का अटैक है, ये दोनों स्क्वायर में किंग का अटैक है। तो ये पोजीशन होती है स्टेलमेट की। सामने वाले को कोई जगह ही नहीं मिलती, लेकिन उसे चेक भी नहीं है। अभी आप ये पोजीशन में देख सकते हो कि ब्लैक किंग को कोई चेक नहीं है, तो इसे कहते हैं स्टेलमेट। अभी ब्लैक को चलना है लेकिन ब्लैक चल नहीं पा रहा है, तो ये होती है स्टेलमेट। तो स्टेलमेट यानी उसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे चेकमेट हम करते हैं तो हम जीत जाते हैं, जिसकी चेकमेट होती है वो लॉस हो जाता है। तो ऐसा ही स्टेलमेट चाहे किसी की भी हो, ब्लैक की हो या व्हाइट की हो, लेकिन गेम का एंड ड्रॉ होता है। तो कोई भी प्लेयर जीतने वाला है उसे कभी भी स्टेलमेट नहीं करवाना चाहिए, ये खास ध्यान रखें। ऐसे स्टेलमेट ज्यादातर क्वीन के मूव्स में होती है। अभी आपने देखा कि लास्ट में व्हाइट की क्वीन सपोज यहाँ थी और व्हाइट ने मिस्टेक करके क्वीन को F7 पे रख दिया, लेकिन बाद में उसने देखा कि ब्लैक को तो कोई मूव ही नहीं है और व्हाइट को बहुत ही अफसोस हो जाएगा, क्योंकि वो गेम जीतने वाला था, उसके बजाय उसे सिर्फ हाफ पॉइंट मिल जाएगा। चेस का रिजल्ट ऐसा होता है कि जीतने पर 1 पॉइंट, लॉस होने पर 0 और ड्रॉ होने पर हाफ पॉइंट। अब देखते हैं स्टेलमेट कब कब नहीं हो सकती है। जैसे कि यही पोजीशन में हम ब्लैक का कोई मूव रखते हैं, जैसे कि उसके पास एक मूव है और अभी ब्लैक को चलना है, तो ये पोजीशन स्टेलमेट नहीं है, क्योंकि भले ही ब्लैक के पास, किंग के पास कोई मूव नहीं है और किंग को कोई चेक भी नहीं है, लेकिन ब्लैक के पास एक लीगल मूव है जो वो पॉन से चला सकता है। तो यहाँ पे स्टेलमेट नहीं है, ब्लैक को कंपलसरी पॉन मूव करना पड़ेगा और बाद में व्हाइट उसका एडवांटेज लेके यहाँ से चेकमेट कर सकता है। तो ध्यान रहे कि स्टेलमेट कब नहीं होती, जब कोई भी मूव नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किंग की मूव, आपके पास कोई और भी एक्स्ट्रा मूव है तो स्टेलमेट नहीं है, तब गेम लाइव है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको करूंगा, आपको उसके रिप्लाई देने हैं। किंग H8, नाइट G7,
बिशप और इसमें दोस्तों ब्लैक को खेलना है, ब्लैक टू प्ले है, तो क्या ये पोजीशन स्टेलमेट है या नहीं? आप वीडियो पोस्ट करके सोच के आंसर देना है और मेरे आंसर से कंपेयर करना है। इज दिस मेट स्टेलमेट और ब्लैक कैन स्टिल मूव? ओके, यहाँ आंसर है इट इज स्टेलमेट, क्योंकि ब्लैक के पास अभी कोई भी लीगल मूव नहीं है। नाइट मूव कर सकता है, लेकिन नाइट भी ब्लॉक है बिशप से, यानी पिन है, तो यहाँ पे ब्लैक कांट मूव एनीवेयर। किंग भी कहीं मूव नहीं कर सकता, ये पॉन भी ब्लॉक है, तो ब्लैक के पास कोई भी मूव भी नहीं है, और आप देख सकते हो कि यहाँ ब्लैक को चेक भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। थोड़ा आपको सोचना है कि स्टेलमेट है या चेकमेट है या ब्लैक के पास कोई मूव है। चलो दोस्तों, ये पोजीशन है, इसमें ब्लैक टू प्ले है, तो ये स्टेलमेट है या चेकमेट है या फिर ब्लैक के स्टिल मूव? यहाँ पे ब्लैक मूव कर सकता है, स्टेलमेट भी नहीं है और चेकमेट भी नहीं है। किंग को मूव कर सकते हैं हम, किंग से ये पॉन को मार सकते हैं, तो ये पोजीशन ना तो स्टेलमेट है और ना ही चेकमेट है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर देना है, ब्लैक टू प्ले है, तो ये स्टेलमेट है, मेट है या ब्लैक कैन स्टिल मूव? ओके, ये पोजीशन है स्टेलमेट, क्योंकि नाइट मूव नहीं कर सकता, नाइट इज अ पिन, यहाँ रुक से नाइट पिन है, नाइट उठाने जाएंगे तो चेक आ रहा है, और किंग के पास तो कोई जगह ही नहीं है और चेक भी नहीं, तो इट इज कॉल्ड स्टेलमेट। चलिए नेक्स्ट पोजीशन आपको सोच के आंसर देना है। पोजीशन है दोस्तों, यहां पे ब्लैक टू प्ले है, इट इज मेट स्टेलमेट और ब्लैक कैन स्टिल मूव। 1 मिनट वीडियो पोस्ट करके आराम से सोचिए और आंसर दीजिए और मेरे आंसर से कंपैरिजन करिए। चलिए मैं आंसर देता हूँ, ये है चेकमेट, क्योंकि नाइट भी ब्लॉक है बिशप से और ये बिशप भी पिन है और रुक का चेक है, तो ना तो नाइट बीच में आ सकता है मूव कर सकता है, ना बिशप भी मूव कर सकता है और ना तो किंग मूव कर सकता है, तो इट इज कॉल्ड चेकमेट। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। ब्लैक टू प्ले है दोस्तों, इसमें ये पोजीशन सोच के बताइए कि ये स्टेलमेट है या चेकमेट है या ब्लैक कैन स्टिल मूव? चलिए मैं आंसर देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कैन स्टिल मूव, चेकमेट भी नहीं है, स्टेलमेट भी नहीं है, ब्लैक के पास एक मूव है जो नाइट चला सकता है कहीं भी, तो यहाँ पे ना तो स्टेलमेट हुई है और ना चेकमेट हुई है, क्योंकि ब्लैक के पास लीगली मूव है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। ये पोजीशन में ब्लैक टू प्ले है, तो ये चेकमेट है, स्टेलमेट है या ब्लैक कैन स्टिल मूव? तो चलिए आंसर है, इट इज चेकमेट। भले ब्लैक का किंग कहीं मूव नहीं कर सकता, पॉन भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट में व्हाइट ने नाइट से चेक दिया है और चेक देने के बाद अगर किंग बच नहीं सकता तो होती है स्टेलमेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ दोस्तों ब्लैक टू प्ले है, सोच के बताइए यहाँ पे स्टेलमेट है या नहीं? ओके, मैं आंसर दे रहा हूँ, स्टेलमेट नहीं है, भले ही ब्लैक के किंग के पास कोई जगह नहीं है और ब्लैक को चेक भी नहीं है, लेकिन ब्लैक कैन मूव पॉन टू
C5। दोस्तों यहाँ पे व्हाइट को खेलना है, तो ये एक एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। इस पोजीशन में ब्लैक आराम से गेम जीत सकता था, क्योंकि ब्लैक के पास रुक चेक था, जैसे कि मूव करते और वो क्वीन भी प्रमोट करता। तो यहाँ पे व्हाइट ने बहुत बढ़िया मूव निकाल दी ड्रॉ के लिए। पहले रुक चेक दिया, रुक चेक देने के बाद किंग को कंपलसरी यहाँ आना पड़ रहा है। अगर इसे छोड़ेगा किंग, तो किंग से ये पॉन मार के इक्वलाइज हो जाएगा, और जैसे ही किंग जी थ्री पे आता है, व्हाइट रुक सेक्रीफाइस कर रहा है, फ्री में दे रहा है। अब जैसे ही अगर ब्लैक ने उसे कैप्चर किया, तो देखिए व्हाइट का टर्न है और व्हाइट को कोई मूव नहीं बचता, तो उसने अपने मूव खत्म करने के लिए रुक सेक्रीफाइस कर दिया और ऐसे स्टेलमेट की पोजीशन बना दी ताकि उसे मिल जाए ड्रॉ, वरना वो ऐसे ही हारने वाला था। तो उसने ऐसे ड्रॉ ढूंढ ली है। तो आपको भी अपनी गेम में इसी प्रकार के मूव्स ढूंढने हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है अगर ब्लैक रुक से रुक मारता नहीं है, जैसे कि चेक दिया, किंग जी थ्री, रुक सेक्रीफाइस। अगर ब्लैक रुक यहाँ लाता है, तो फिर से वो रुक मरने के लिए दे देगा। इसका मतलब रुक कहीं भी जाएगा, वो सामने सेक्रीफाइस के लिए रख देगा। तो ऐसी पोजीशन में रिपीटेशन ड्रॉ का भी रूल्स लगता है। अगर वो रिपीट करता रहता है, तो ड्रॉ बाय रिपीटेशन मिल जाएगा, और अगर रुक को मार देता है, तो फिर स्टेलमेट पोजीशन आ जाएगी। तो कई बार आप लाइव गेम में इसी तरह के मूव्स ढूंढ के अपनी लॉस वाली गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये पोजीशन में दोस्तों आपको व्हाइट से खेलना है, और ड्रॉ के रूल्स जो स्टेलमेट है, उसकी हेल्प से आपको ड्रॉ करनी है गेम। तो मूव ढूंढिए, वीडियो पोस्ट करिए, और 2 मिनट या 3 मिनट सोचिए, जल्द ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो व्हाइट टू प्ले एंड ड्रॉ, यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूं क्वीन H8 या फिर क्वीन G7, दोनों भी चलते हैं। किंग को चेक है और किंग के पास कोई स्पेस नहीं है, तो ब्लैक को कंपलसरी किंग से क्वीन को मारना होगा। और नेक्स्ट टर्न आएगा व्हाइट का, तो व्हाइट के पास अब कोई भी मूव नहीं है, ये लाइन में रुका अटैक है। यहाँ पे ये पॉन पिन है जो मूव नहीं कर सकते, और ये पॉन क्वीन से ब्लॉक है, और किंग के लिए ये एक जगह है, वहां क्वीन का अटैक है। तो व्हाइट के पास कोई भी लीगली मूव बचते नहीं है, और यहाँ हो गई स्टेलमेट। अब व्हाइट ने स्टेलमेट क्यों करवाया? क्योंकि व्हाइट के पास सिर्फ क्वीन बची थी और ब्लैक के पास बहुत सारे पीसेस है, क्वीन और दो रुक और बिशप। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार आपको स्टेलमेट बहुत हेल्प करती है जब आप हारने वाले होते हो। आप अगर विनिंग पोजीशन में हैं, तो आपको स्टेलमेट नहीं होने देना है, भले ही सामने वाला कितनी भी कोशिश करे या रिपीट करने की कोशिश करे, आपको उसे भी रोकना है, क्योंकि आप जीतने वाले हो। लेकिन अगर आप लॉस हो रहे हो, तो आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ के रूल्स याद करके ऐसी पोजीशन क्रिएट करनी है। तो चलिए मिलेंगे जल्द ही मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात। गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन की जो यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।